यही वजह है अली साहब, ये बस लामा ने
जिम्मेदारी हमें एक जिम्मेदारी है कि हम तक मशी अल्लाह और मैमाम आयुरा को पहुंचाए। जबकि मुहर्रम का चांद देखा करते थे, मुस्तलिब हो जाया करते थे। शेख सुदूक की खिलाफ अलावारी से रिवायत कर रहा हूँ कि एक दफा ये साल इमाम ने मुहर्रम का चांद देखा और अपने असाम से दरखास्त किया कि तुम से कौन है जो मसी का मामला जानता है। एक सहाबी ने जवाब दिया कि मैं मसीहा तो नहीं हूँ, मसीहा हाँ, यानी कि मैं मसीहा कहता नहीं हूँ लेकिन मसीहा मामला जानता हूँ। इमाम ने कहा कि आओ मिंबर पे आओ, मिंबर लगाया, मिंबर पे बिठाया। मसीहा का कहता है कि जब मैंने मसीहा मांगना शुरू किया इमाम सारो कतार हो गया। मैंने इमाम के भेजा देखा, मैंने मसीहा रोकना चाहा, इमाम के लिए जरा बोला बच्चा हुआ। इमाम ने कहा क्यों मैं पहले जारी रखा हूँ और गुलामों को इशारा किया। गुलामों को जब इशारा किया तो गुलामों ने एक पर्दे सा लगाया और सारी सैलानी आगे बढ़ गई। मैं मुतवज्जा हुआ कि अब शहजादियाँ आ गई, मैं मसीहा बनने लगा। इतने में शहजादियों के लिए की आवाज बोला तो मैंने मसीहे को फिर रोकना चाहा। इमाम ने कहा क्यों रुक गए, यही तो दुनिया को बताना है कि ये सच्चे दुश्मन रुक गया था। इसको हम मेरे का इस तरह मुनाफिर किया करते हैं, मसीहे को नहीं। आज हमारे ये बात आपने साबित करा इस तरह नहीं है जिसके पैसे आज ये हमारे मुसलमान आबाद है मशीन का लिखे हुए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस बात की गारंटी दी है कि ये फर्शे अल्लाह का इनकार करना, करबला की ज्यारत करना, करोड़ों का शफाअत की जिम्मेदारी है। इमाम से ही रिवायत है कि इमाम फरमाते हैं कि मेरी दादी मैशर में इस तरह से इसराओ हजरत से आएगी कि तमाम अंबिया, तमाम औलिया, तमाम औलिया मुतवज्जा होंगे कि ये किसकी नूर की सवारी आ रही है। रसूल अल्लाह रसूल खुदा इस्तकबाल करेंगे जनाबे सैयदा का। यदि आप कहेंगे कि ऐसे सैयदा कुछ है मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए, जनाबे सैयदा बयान करेंगी कि उम्मत की बख्शिश के लिए मेरे बेटे अब्बास के पास हो आजादारों यही वो हमारी है जो मैशर में इतने जहां मशर से आएगी। अरे ये आजादारों यही जनाबे सैयदा की अदालत हमारी जब रोजे आशूरा का बना के आई उठा रहे हैं
जाफर का जनाजा हाजिर उठा रहे हैं, जाफर का जनाजा ये गम बना रहे हैं।